प्रदान करते हैं मेरे परमेश्वर, आज की इस ग्रेस के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आपकी प्रेजेंस हमारे जीवन में कितनी मायने रखती है मेरे परमेश्वर, मेरे सामर्थी परमेश्वर, मेरे खुदावन। हम मांगते हैं खुदावन पिता परमेश्वर तेरी प्रेजेंस को खुदावन पिता परमेश्वर अपने जीवनों में मेरे प्रभु, मेरे सामर्थी परमेश्वर, मेरे खुदा बाप धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु सब बातों के लिए खुदावन पिता परमेश्वर जो तू हमारे जीवन में करता है खुदा बाप। ओ मेरे सामर्थी परमेश्वर, मेरे खुदावन, आज पिता परमेश्वर मैं तेरे अनुग्रह को नहीं मांगता, मैं अपनी चंगियाई को नहीं मांगता, बल्कि तेरे आत्मा को मांगता हूँ पिता परमेश्वर। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर वो आत्मा जो हमारे अपने बोझों से आजाद करता है मेरे परमेश्वर, मेरे सामर्थ्य परमेश्वर आज वो तेरे अनुग्रह को मांगते हैं खुदावन अपने जीवनों में, जो हमें बड़ी गवाही के साथ खड़ा करते हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। ओ सामर्थ्य परमेश्वर हम मांगते हैं आपके बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमेन। हालेलुया, स्वागत है आप सबका परमेश्वर की प्रेजेंट में, वो प्रेजेंट जो आपको सेफ नहीं रहने देगी। हालेलुया, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए, आज की शाम के लिए खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाओ, हम प्रार्थना में हालेलुया, स्वागत है सबका परमेश्वर की प्रेजेंट में। अपने हाथों को उठाओ, धन्यवाद करो तालियों के साथ परमेश्वर का। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज के शाम के लिए खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा बाप, मेरे परमेश्वर। प्रभु हम मांगते हैं खुदावंद पिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह को अपने जीवनों में पिता परमेश्वर, मेरे सामर्थी परमेश्वर। हम मांगते हैं खुदावंद पिता परमेश्वर तेरी फजल को खुदावंद अपने जीवनों में खुदा बाप, मेरे सामर्थी परमेश्वर, मेरे खुदा बाप। हम मांगते हैं खुदावंद पिता परमेश्वर तेरी अनुग्रह को पिता परमेश्वर अपने जीवनों में पिता प्रभु, मेरे सामर्थी परमेश्वर। हम जानते हैं खुदावन पिता परमेश्वर कि आपके अनुग्रह के बिना, आपकी अनॉइंटिंग के बिना पिता परमेश्वर हम कुछ भी नहीं है मेरे सामर्थी परमेश्वर, मेरे सामर्थी परमेश्वर, मेरे खुदा बाप। हम मांगते हैं खुदावन तेरे फजल को अपने जीवन में मेरे परमेश्वर, तेरी प्रेजेंस को मांगते हैं अपने जीवनों में मेरे खुदा बाप, मेरे सामर्थी परमेश्वर। आज खुदावन मैं अपनी आशीष को नहीं, अपनी चिंगियाई को नहीं मांगता पिता परमेश्वर, के बल्कि तेरे आत्मा को मांगता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा आत्मा प्रभु हमें आजाद करता है जुए से पिता परमेश्वर, हर बोझ से मेरे सामर्थी परमेश्वर, मेरे सामर्थी परमेश्वर। आज खुदावन पिता परमेश्वर वो तेरा अनुग्रह हमारे जीवन में आए पिता परमेश्वर, मेरे सामर्थी परमेश्वर तेरा अनुग्रह बड़ी गवाही के साथ हमें खड़ा करे परमेश्वर। हम मांगते हैं आपके प्यारे परमेश्वर, ओ सामर्थी परमेश्वर, आपके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। अपने हाथों को उठाओ, हम सब वर्शिप में जाएंगे। कोड़े आदि मार सके
पर मेरे पापा दा मेरे गुनाहा दा 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 लेना।
तेरा खेत
Thank you.
जो भी बोले
वर्शिप के लिए, परमेश्वर की आराधना के लिए अपने आप को तैयार करते हुए अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर के नाम को जलाल और महिमा दे। उठाओगे फिर तो परमेश्वर की आराधना के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, अपने दिलों और अपने मन को परमेश्वर के रख दिया, परमेश्वर की आराधना के विच अपने आप को अधीन करेंगे और परमेश्वर की वर्शिप के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। सब कुछ ही तू है, मेरा जीना भी तू है, मेरा सब कुछ ही तू है, मेरा जीना भी तू है, मेरा सब कुछ ही तू है। मेरे जाने में
जी।
जोर से बोलेंगे हालेलुया। अपने हाथों को उठाएंगे फिर से परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, परमेश्वर की नाउटिंग के लिए अपने आप को तैयार करेंगे हर एक जन। Oh,
I'm not afraid.
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी करुणा मेरे पे सदा रहे, तेरे पाखरु का मजा मेरे पे सदा आता रहे, और मैं तेरे अनाउंटिंग में बढ़ता जाऊं, तेरे मजे में बढ़ता जाऊं। अपने हाथों को उठाते हुए दो मिनट के लिए वर्शिप करेंगे फिर से। जितने भी यहाँ पे मौजूद है अपने हाथों को उठाते हुए बोलो, सबसे उठाओ अपने हाथों को, सब खड़े हो जाओ, उठाओ उठाओ हाथों को सब। हिलाओ अपने हाथों को, दोनों हाथों को हिलाओ, उठाओ उठाओ सब, हिलाओ अपने हाथों को जोर से।
फर्स्ट नाइट मीटिंग में हिला अपने हाथों को। हिलाओ हिलाओ सब हाथों को। अगले दो मिनट हिलाओ अपने हाथों को सब उसकी प्रेजेंट के लिए। अपने हाथों को उठाओ सब जन, मिलाओ अपने हाथों को दो मिनट के लिए अगले। मेरा जीना भी तू है, मेरा सब कुछ भी तू है, मेरा जीना भी तू है। अपने हाथों को उठाओ, हिलाओ हिलाओ अपने हाथों को। आंतरा बोलो इसका, जा तू है यीशु मेरे आ।
अपने हाथों को उठाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आज तक जितनी भी बातें तेरे बीच होकर हुई थी हमें तसल्ली मिलती है। वो बातें हमारी एनर्जी को बढ़ाती है, हमारे बल को बढ़ाती है, हमारे आनंद को बढ़ाती है। वो बातें जो तेरे मुख से निकलती है, तेरे मुख से जो बातें निकलती है, प्रभु वो बातें सुनकर हमारे मन को आनंद मिलता है, हम अंदर ही अंदर वो आनंद लेते हैं। Thank you.
प्रभु जब तू नहीं था ये जिंदगी वीरान थी, ये जिंदगी डिस्टर्बिंग में थी, ये जिंदगी टेंशन में थी, जब तू मिला सब कंफ्यूजन दूर हो गई, सब टेंशन जाती रही, सब डिप्रेशन जाता रहा, सब कुछ मिले, जिंदगी सोनी लगती, जिंदगी सोनी। अबे हाथ को उठाओ, प्रभु तेरे बिना ये जिंदगी वीरान है। जब तू मेरी जिंदगी में आया, तो मैंने सब कुछ पाया। जब तू मेरी जिंदगी में आया, जोर से हालेलुया, जोर से हालेलुया, जोर से हालेलुया बोलो, तारीफ करो जोर से खुदा की, जोर से तारीफ करो खुदा की। मेरा जीना भी तू है, मेरा सब कुछ भी तू है, मेरा जीना भी तू है, मेरा सब कुछ ही तू है, मेरा जीना भी तू है, मेरा सब कुछ भी तू है। अपनी बाइबल को साथ लो, प्रभु मेरा जीना और मरना तू है, मैं जीऊंगा तेरे लिए, मरूंगा तेरे लिए, अपनी जान देने तक भी तेरे साथ वफादार रहूंगा, मेरे को कुछ भी तेरे लिए करना पड़े मैं करूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, जो भी तू मेरी जिंदगी से चाहता है मैं पूर्ण विश्वास के साथ करूंगा, और उस विश्वास को मांगता हूं,
उस विश्वास को मांगता हूँ प्रभु, मैं वफादारी निभा सकूं, मैं आज्ञाकारिता निभा सकूं, और जो भी तू मुझसे मांगे वो मेरा और तेरा मामला हो, दूसरा कोई भी बीच ना आए। बोलो बोलो हर एक संग, वो मेरा और तेरा मामला हो, मेरा भाई उसके बीच ना आए, मेरी फैमिली उसके बीच ना आए, उस फैसले के बीच जो फैसला मैं मेरे और तेरे बीच में हो। सामर्थी परमेश्वर, मैंने ये जिंदगी तुझे दी है, मैंने अपना जीवन तुझे दिया है, और मैंने तुझे अपना उद्धारकर्ता माना है, मैंने तुझे अपना मुक्तिदाता माना है, मैंने अपना तुझे प्रेमी माना है, मैंने तुझे अपना दुल्हा माना है, मैंने छुड़ाने वाला माना है तुझे। सामर्थी परमेश्वर, मैं जितने भी फैसले करूं उस फैसले में मैं सिर्फ तेरी सुनो, जो पवित्र आत्मा मेरे मन में डाले मैं उसकी सुनो, दूसरा बंदा मेरे फैसले में इंटरफेयर ना कर सके, एंटर ना हो सके। अपने हाथों को उठाओ, बाइबल को हिलाओ, यस बाइबल को हिलाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा नाम पवित्र माना जाए, मेरे जीवन से तेरा तेरा नाम महिमा पाए। तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो, तेरे मकसद जिस मकसद के तहत तूने मुझे इस संसार में भेजा है वो मकसद को मैं पूरा कर सकूं। हिलाओ अपने हाथों को, अपनी बाइबल को हिलाओ, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। पूरी कलीसिया बोले आमीन। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। आपने जिंदगी दी है प्रभु को, आया ना, आपने बपतिस्मा लिया, आपने पवित्र आत्मा पाया, आप संगति करते, आया ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप संगति करते हो, आपने पवित्र आत्मा पाया, आपने बपतिस्मा लिया, आप वचन को पढ़ते हो, आप प्रार्थना करते हो, या फैसला लेना हो तो दूसरा बंदा क्यों एंटर करे? दूसरा बंदा आपकी लाइफ में आता है इसलिए कि वो आपके फैसले को रोक सके। मैं स्पिरिचुअल जन की बात नहीं कर रहा, मैंने पहले कहा आप प्रेयर करते होंगे, आपकी मम्मा तो प्रेयर करती होंगी, आपके ब्रदर सिस्टर तो आपके साथ नहीं बैठते होंगे, सिर्फ आप बैठते होंगे, और कुछ फैसले जो प्रभु करने के लिए कहता है वो आपको अकेले करने के लिए कहता है। अगर दो जुड़े, एक स्पिरिचुअल हुआ एक संसारिक हुआ, आपकी अनॉइंटिंग, आपका अनॉइंटिंग का समा, आपकी आशीष का समा, प्रभु से मिलने का समा, वो बंदा खराब कर देगा। आप स्पिरिचुअल हो वो संसारिक है, वो संसारिक रीति के साथ सोचेगा, हाँ या ना, वो संसारिक रीति के साथ सोचेगा। आप स्पिरिचुअल हो, आप हेवनली सोचोगे, स्वर्गीय सोचोगे, जैसे स्वर्ग में सोचा जाता है। हालेलुया, जिंदगी आपने दी, प्रेयर आप करते हो, बपतिस्मा आपने लिया, हाँ
पवित्र आत्मा आपने पाया, घंटों आप प्रभु में बिताते हो, वचन पे आप चलते हो, दूसरा फिर कौन है जो आपके फैसले में अटकन डाले? उन लोगों को कैंसिल करना है जो आपके लिए नहीं बने। आपको पता है कुछ कुछ शैतान हमारे हमारे जीवन में लोग प्लस करता है, जोड़ता है उनको कि वो हमें गिराए, वो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को बर्बाद कर दे, हमको वचन पे चलने के लिए रोके, इसलिए वो जोड़ते हैं। इसलिए जो फालतू लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो वेस्ट लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, आज से प्रार्थना में उनको कैंसिल करना है। जो भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है जो तेरी ओर से नहीं है, मैं उसे अलग करता हूं अपने से। हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती की अंजील 6 अध्याय उसका 3 वचन पढ़ो। आज कैसे कैसे हमने हमने चीजों को बोना है, कैसे कैसे हमने अपनी लाइफ के हिस्सों को बोना है, कैसे कैसे अपने अपने पैसे के हिस्से को बोना है, कैसे जिंदगी में जो हिस्से बोने चाहिए कैसे बोए। अगर आप बात नहीं को तो आप अच्छी रीति के साथ बोओगे, अगर आप संसारी को तो आप अच्छी रीति के साथ नहीं बोओगे, वो फल नहीं लेकर आएंगे। इसलिए लोग कहते हैं मैं बोता तो हूँ लेकिन मुझे मिलता क्यों नहीं? हम पढ़ेंगे, परंतु जब तू दान करे, कहता है जब तू कुछ भी प्रभु को दे, दान करे, तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है, जो तेरा कहता है दाहिना हाथ करते हैं, उसे तेरा बायां हाथ ना पहचानने पाए, उसको तेरा बायां हाथ ना पहचानने पाए जो तेरे दाहिने हाथ में। हालेलुया। जो तू करते हैं तेरे आसपास के व्यक्तियों को पता नहीं होना चाहिए तू परमेश्वर के लिए क्या कर रहा है। इसलिए परमेश्वर ने कहा तू गुप्त में प्रार्थना कर, क्योंकि मैं गुप्त में प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर हूं। इसलिए तू गुप्त में बो, मैं गुप्त में स्वीकार करने वाला, तू उसका प्रतिफल पाएगा। प्रतिफल यानी कि जो भी आपने पीछे बोया, थोड़ा बोया, बहुत बोया, आपने कुछ भी बोया, परमेश्वर उसका उसका आंसर एक ही टाइम में दे देगा। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? कहते हैं तू दाहिने हाथ से डाले, बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। आपके फैसले हर एक को आप बता नहीं सकते। आप क्या डिसीजन ले रहे हो आप हर एक को बता नहीं सकते। अगर हाँ आपका डिवाइन हेल्पर जो जो आपको हेल्पर दिया गया, अगर वो स्पिरिचुअल है उससे आप सलाह ले सकते हो कि मैं ऐसे ऐसे प्रभु ने बोले, क्योंकि वो भी प्रभु का बंदा होगा, वो भी पवित्र आत्मा पाया होगा, वो भी आपकी बात को अच्छे से सुनेगा और अच्छे से जवाब देगा, क्योंकि उसके पास जो पवित्र आत्मा वो आपके पास भी है। तो अगर वही बात आप संसारिक लोगों से करोगे वो आपको अलग कर देंगे आपके प्रेस से। यार इतनी प्रे की करनी है, थोड़ी कर लिया कर कोई गल नहीं। हाँ इन्हें फास्टिंग की करनी है, तू पतला हो जा रहा है, तू माड़ा हो जा रहा है। आप उन लोगों से बात करते हो जो आपके फेथ को कम करने के लिए आते हैं। यार तू को मैं कर बे बार कितनी ऐसा, हाँ तू करे बढ़िया रहना। अच्छा कितनी का ऐसा, चलो देख दे, देखने जाओगे वापस नहीं आओगे। मतलब आप अपनी प्रेयर तो बाज वापस नहीं आओगे। जिन्नी पहले थी इना पहले अलग ताई थी, उन्हीं अलग ताई तुसी फिर नहीं दिखा पाओगे, क्योंकि तनु बार दागी लग गए, ठरकी हो गए हो बार दे कुमन फिरन दे बिच। हाँ माड़ी संगत बिच खलोन दे ली। जब हम प्रेरितों के काम 5 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पे एक स्टोरी है, हनन्या और सफीरा की स्टोरी है। उन्होंने प्रभु का आगे एक प्रतिज्ञा की, वादा किया, हमारा एक खेत है, हम उसको बेचेंगे और क्या कर देंगे, प्रभु के सन्मुख लेकर आएंगे, प्रेरितों के सन्मुख लेकर आएंगे। और बिका वो बहुत पैसों में बिका। हालेलुया।
बाइबल बताती हो बिका, बहुत पैसों से बिका। और जब बोने का टाइम आया, जब प्रेरितों के सामने रखने का टाइम आया, चेलों के सामने रखने का टाइम आया, पता क्या हुआ? अपनी पत्नी से सलाह कर रहे, उसकी राय ले रहे, क्या करूं? बोधू उतरा नहीं, नहीं कारवी है, बच्चे भी नाल है, आया ना बच्चे भी नाल है, फिर आपा कितने जावांगे? सारा कुछ ही प्रेरणा दे चरणा दे विच रख देता। हां साडी लाइफ कितना दी होएगी? आपा इदे विच अद्धा रख लेने हां, अद्धा की कर दिने हां, परमेश्वर दे चरणा दे विच जाके रख लेने हां। पर बोलया की सी आपा सारा ही दे देवांगे जो खेत दा होवेगा। तो मालूम है इसका नतीजा क्या आया? पवित्र आत्मा से झूठ बोला। अगर आगे अभिषेकित बैठा हुआ था, आगे पतरस बैठा हुआ था, आगे पवित्र आत्मा पाया हुआ बंदा बैठा हुआ था और बोल दे हाँ इतने को बिका, हाँ भाई इतने को बिका है, ये लो। कहता तेरे मन में क्यों शैतान समाया? पढ़ेंगे प्रेरितों के काम, अपने पढ़ना पांच अध्याय उसके दो और तीन वचन को पहले से शुरू कर दो। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। तीन को ध्यान से सुनना। पत्रस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दार में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी? हालेलुया। बोने से पहले क्या बोना है ये आपको मालूम होना चाहिए, क्या बोना है ये परमेश्वर को बताना चाहिए कि परमेश्वर मैं इतना बो रहा हूं, और वो भी दुखदायक हृदय से नहीं। बाइबल बताती है दुखदायक हृदय से नहीं, वो भी अपनी खुशी से, मन की खुशी में, मन में आनंद लेकर उसको बोने, वो आपको प्रतिफल देगा, ना कि दुखदायक दिल से बोना और कई लोगों की सलाह लेकर बोना। आप उसका फल पा चुके हो पहले से। दस बंदों को कहा, मैं जी ऐना कुछ बोन दे ले जा रहा कि बोवा चंगा हुंदा है, पंजा श्यान जाने दिखा के आयो, परमेश्वर ने ओथे तानु की कर दिता है, उदा अजर दे दिता है। जब आप बोबो, जब आप बीज बीजो, आपको आपके दाहिने हाथ बो रहे हो, बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, दाया और बाया। सलाह लेना एक ऐसे बंदे की जो संसारिक दिमाग लगाता है, वो आपको मौत दे सकते हैं। पवित्र आत्मा से झूठ बोलना वो आपको मौत दे सकते हैं। आपको पता पत्र से बोला, जब वो तेरी थी क्या? जब तेरे पास थी वो क्या तेरी नहीं थी? तूने परमेश्वर के सामने ये वादा किया कि मैं बेचकर परमेश्वर को दे दूंगा, परमेश्वर के कामों के लिए दे दूंगा। और पत्रस ने फिर बोला, तेरे मन में शैतान ने ये बात क्यों डाली? तो पुराने नियम में चले जाओ, ये भी पत्नी और पति है, वो भी पति और पत्नी है। हालेलुया। हन्ना की प्रार्थना सुनी गई, हाँ या ना? उसको बेबी मिला, हाँ? बेबी मिलने के बाद उसका पति प्रभु के घर में जाता है, उसको बोलते तू नहीं जाएगी? नहीं नहीं, जब तक बच्चा दूध ना छोड़ दे तब तक मैं परमेश्वर के घर में नहीं जाऊंगी, जब ये दूध छोड़ देगा मैं वहां पर उसको छोड़कर आ जाऊंगी। तेरी इच्छा कहता, जैसा तेरे को अच्छा लगे, ये तेरा और परमेश्वर का मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। वो एक स्पिरिचुअल बंदा था, एक सही सलाहकार था, एक सही मददगार था। आपने पहचाना है कि आपकी बीवी आपके आशीष को रोक सकती है कि जा दिला सकती है? आपके घर वाले आपकी आशीष को दिला सकते हैं या फिर रोक सकते हैं?
आपको पता हुआ क्या? जब बच्चे ने सैमुएल ने दूध छोड़ा, हन्ना के पुत्र ने दूध छोड़ा और वहां पे छोड़ा है, प्रभु के घर में छोड़ा है, हुआ क्या? एक ही बच्चा था। हाँ, बोना बहुत मुश्किल था, प्रभु को देना बहुत मुश्किल था, वो भी रो रो के पाया, वो भी इंतजार कर करके पाया, और वो बोना अपने से अलग करना इतना कठिन था, लेकिन जो परमेश्वर से जुबान की उसमें भी खड़े उतरना था। जो परमेश्वर को कहा था दुख के टाइम, जब सुख आया वो भूली नहीं, जब बेबी आया वो भूली नहीं, ये परमेश्वर का है, परमेश्वर को ही जाएगा। बेटे बेटियां हुई बाद में बोने के बाद, एक सैमुएल बोने के बाद कितने पाए? हाँ, बेटे बेटियां पाए। आपका सलाहकार आपको आशीष दिला भी सकते हैं, आपका सलाहकार आपको बोने से रोककर आपको आशीष के बिना छोड़ सकता है, और ये आपने चेक करना है। अच्छी रीति के साथ बोओगे तो अच्छा फल आएगा, बुरे मन से बोओगे, दिखावा करके बोओगे, कोई भी चीज है, आप चार चार घंटे प्रार्थना करो और लॉस्ट करके करो कि मैं प्रार्थना में जा रहा हूँ भी दो घंटे, हाँ चार घंटे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। जब आप प्रार्थना करो आपके घर वालों को बताना कितनी प्रेयर है। जब आप फास्टिंग करो ऐसा फेस ना कर लो कि पूछे घर वाले क्या हुआ तुझे, तू बीमार है, और आपको हल्के से मुंह से मुंह लमका के कहो हाँ मैं फास्ट रखे है, फालतू की कर चुकी हो, पा चुकी हो, फास्ट रखन तो जो रखिया हो, पाए दिन दिन दा दिन रात दा चले, पाए हफ्ते दे दिन दिन हफ्ता पूरा चले, एवरी नाइट एवरी डे मुंह खिलिया हो, आमीन। और किसी को मालूम ना हो कि आप क्या हो, फास्टिंग में हो, आप रोजे रख रहे हो, इतने दिन से भूखे हो, और कई लोगों की आदत है दो रोजे रख के मुंह लमका के बैठ जाना, हाँ मुंह अदास कर लेना, लोग मुझे पूछे तुझे को क्या हुआ, और मैं उसको खुशी खुशी बताऊं कि मैंने रोजा रखा है, मैंने फास्टिंग की है। ऐसा फास्टिंग स्वीकार नहीं होगा, ऐसी प्रेयर स्वीकार नहीं होगी जो दूसरे को दिखावा करके आप करते हो, ऐसा बोना आपको स्वीकार नहीं होगा जो दूसरे को बोलते हो मैं चला हूं बोने के लिए। हाँ, मैं अपने लोगों को चर्च के लोगों को बोलता हूँ जब भी आप ये ऑफरिंग देनी है मुझसे मिलना क्या जरूरी है, एनवेल्प में डालो, आप प्रभु के घर में जा रहे हो, आप अपना प्रतिफल ले लोगे। आपने प्रभु को बोना है, मेरे को थोड़ी बोना है, प्रभु के शुभ समाचार को बोना है, मेरे को थोड़ी बोना है। हालेलुया, कितने जन समझ रहे हैं और कितनों को समझ आ रहा है? आपका सलाहकार कौन है? क्या वो व्यभिचारी तो नहीं है? क्या उसको लालच तो नहीं है? हाँ, ये पहचान आपने करनी है, क्योंकि आप अपने सलाहकार को जानते हो, उसकी कितनी प्रेयर है, वो प्रभु का डर कितना रखता है। हालेलुया, तो आप प्रभु के दास को दे रहे हो, आप भलाई थोड़ी कर रहे हो, ये मैं भलाई का काम कर रहा हूँ, प्रभु के दास को दे आया हूँ, ये आपका फर्ज है प्रभु के कामों में बोना, या आपकी जिम्मेवारी है प्रभु के कामों के लिए बोना। हम गलत या अच्छे की छे को देखेंगे, क्या क्या बाइबल बताती है बोने के प्रति। अगली आयतों को आपने पढ़ना, सिर्फ मैं एक आयत को पढ़ूंगा जल्दी।
जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करी। हालेलुया। अच्छी वस्तुओं को क्या करें, जो उसकी अच्छी अच्छी वस्तुएं, जो अच्छी अच्छी टेस्ट मनी है। दुख में तो आप परमेश्वर के दास को याद करते करते हो, आपके अच्छेपन में भी उसकी प्रार्थना, उसकी प्रेजेंस होनी बहुत जरूरी है। हाँ, एक वचन को पढ़ेंगे, करंथियों, दूसरा करंथियों 9 के साथ। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुट कुट के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। हालेलुया। कैसे मन से बोना, दुखी होकर, हाँ, घुट घुट के, कैसे बोला है आपने, मेरे को बताओ, कैसे आनंदित मन से, आनंदित मन से, ना कि ये कहते हुए ले देवा अब सार लगाऊंगा। हाँ? ये दुखी मन है, इसका कोई फल नहीं। ले आज चर्च नु दे आइए, आपको मालूम होना चाहिए हर महीने की पहली तारीख, हर महीने की 10 तारीख, 1 तारीख जो भी डिसाइड करनी है, आपको मालूम होना चाहिए, आपकी जिम्मेवारी होनी चाहिए, आपके मन में ये बातें घूमनी चाहिए। ये महीना आ गया, इस महीने का दशवंध मैंने देना है, कैसे देना है, चिंता होनी चाहिए। पिछले लोग ज्यादा बोते थे, ज्यादा प्रभु से काटते थे, ज्यादा फलदार थे, ज्यादा खुश थे, परमेश्वर हर हिस्से में उनको बढ़ाता था। हालेलुया। हर हिस्से में वो बढ़ते थे। इतने जन मेरी बात को समझ रहे हैं। बोना अच्छे तरीके से बोना, अच्छा फल लेकर आएगा। उनकी सलाह लो जो स्पिरिचुअल है, जिनकी प्रेयर है, जिनका जिनके आत्मिकपन उनकी जिंदगी में चमकता है। आमीन। हालेलुया। प्रेयर करो, पैसा बो, फास्टिंग करो, कोई भेंट देनी है, वो आपको मालूम होना चाहिए, वो आपका और परमेश्वर का मामला है, वो आपका और परमेश्वर के बीच जो जो वायदे हुए, जो वायदे हुए हैं। अपने हाथों को उठाओ सब जन, मैं एक मिनट के लिए प्रार्थना में जाऊंगा। हाथों को उठाते हुए सब जन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किन्यानु समझ आ रही है, कैसे बोने का तरीका है, दाएं से बोना, बाएं को पता नहीं चलना चाहिए, दुखी हृदय से नहीं बोना, आनंदित हृदय से बोना है, ये तरीका है बोलने का। उसकी सलाह लेने, जो सलाह देने के योग्य, उसको अपनी सलाह में मजबूत करना जो आने के योग्य,
आप दारू वाले दारू वालों को पूछोगे हाँ बोइए ना बोइए ओए छट परा चर्च दे विच दा पहले बड़ा पैसा आंदा है हाँ उससे आपको क्या लेना देना जितना आप बोओगे उतना ही आपने अपने बीज बोने की और क्या रखना है ध्यान रखना है कहता परमेश्वर खाने के लिए भोजन और बीजने के लिए क्या देता है बीज को देता है अगर आप बीज भी खाई जाओ बोओगे क्या और एक दिन अकाल में चले जाओ एक दिन कर्जे के नीचे चले जाओ एक दिन बिल्कुल फ्री होकर बैठे होंगे क्योंकि बीज भी खा गए भोजन भी खा गए किसान को पूछ के देखो वो खाने के लिए अलग रखते हैं बेचने के लिए अलग रखते हैं और बीज जो उसने अलग स्टोर किया होता है कि जब टाइम आए बीज बोने का मैं अच्छे से बो सकूं हाँ या ना अच्छे से बो सकूं हम ग्रंथियों को पढ़ रहे हैं पढ़ते जाओ आगे यही वचन आएगा अब दस को पढ़ो अंत जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है हालेलुया आपको क्या देता है बोने के लिए क्या देता है बीज देता है और खाने के लिए क्या देता है भोजन देता है इसलिए आज तक भी लोग 20 साल जॉब करते हो गए सिर्फ एक एक रुपया बढ़ रहा है कभी ऐसा सरप्राइज नहीं उनको मिला कि उनकी हजारों में तनख्वाह बढ़ी हो क्योंकि आप 10,000 में सिर्फ क्या बोल रहे हो 10 रुपये बोल रहे हो आप 5,000 में सिर्फ 5 रुपये बोल रहे हो उसका दसवां हिस्सा क्या बनता है ये देखो स्पेशल ऑफरिंग क्या बनती है ये देखो आपके मन की इच्छा क्या है ये देखो बोने का तरीका आज मैं बता रहा हूँ अच्छा बोओगे अच्छे तरीके से बोओगे अच्छा फल आपकी लाइफ में आएगा पूरी रीति के साथ बोओगे पूरा नतीजा आएगा नहमिया मारा गया हाँ मारा गया वो बंदा जो आत्मा से जाकर झूठ बोल रहा है हनन्या और सपीरा मारे गए दोनों मारे गए दोनों के दोनों वहां पे मारे गए पवित्र आत्मा को ये पसंद नहीं है कि आप उससे जाके झूठ बोलो नहीं बोना वो आपकी इच्छा है परमेश्वर ने थोड़ी बोला था इतने बड़े बड़े वादे करो उसने तो बोला है जब तू मुंह खोले तो उतने शब्द बोल जितने तू क्या कर सकता है पूरे कर सकता है जिसको दिल से रूह से तू पूरा कर सकता है उतना ही क्या कर तू वो उतना ही तू बोल परमेश्वर के सामने तू हमेशा कम बोल काली ना कर दे दबाई दबाई काली ना कर बोलो हालेलुया वहां पे सैमुएल बोया गया बेटियां मिली बेटे मिले हाँ या ना वहां पे आधा रख लिया गया आधा दे दिया गया और अगर वो सच बोलता जाके कि हमें उसकी जरूरत थी हमने रख लिया ये हम दिल से लेकर आए पत्रस स्वीकार करता पत्नी को पूछा गया हाँ इतने को भी हाँ जी कई बड़े पक्के हुंदे आ झूठ बोलन दे विच तो उठो है नहीं नहीं आपा कित्थे आए क्योंकि सलाह पीछे हो चुकी हुंदी है कि बगना नहीं है तू बगा तेनू क्षेत्र होना क्षेत्र फिरने देने जे तू बोलया मैं नहीं जबान खोलदा हां या ना पिछे की हो गया हुंदी है सलाह हो गया हुंदी है ते घरे सलाह होगी सी कहता बोलना है कहते नु भी बुलाए तू ही
इतना इतना बोलना है, लाइन इधर उधर नहीं करनी। उन्होंने पूछा क्या? हाँ जगह इन्हें विकी है, नतीजा फिर किया वही है जो दे पति दा है। हालेलुया, मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? अच्छी रीति के साथ भोग अच्छा फल होगा, बुरे से भोग आप जैसे चल रहे हो चलते जाओ, कभी ये स्पेशल सरप्राइज परमेश्वर आपको कभी नहीं देगा कि आपकी सैलरी 3,000 बढ़ गई, हाँ 5,000 बढ़ गई, 10,000 बढ़ गई, आप ऑफरिंग कितनी बढ़ा रहे हैं ये चेक करो। क्या आपके सालों में सिर्फ 50 रुपये? 10 साल हो गए 50-50 बोते हुए, कभी नहीं बढ़ी 10 रुपये बोंदे, कितने साल हो गए? तांजे चिंगन मिंगन लेवल देते हो, छोटे छोटे लेवल देते हो, जो मन की गहराई तो पूरे खुली दिली दे नाल बोगे और खुली दिली दे नाल तुसी की करोगे बढ़ोगे, पंडा दे नाल बोगे पंडा दे नाल तुसी इकट्ठा करोगे, हाँ या ना? जितना तुसी बोगे उतना ही तनु की किता जाएगा वापस परमेश्वर डबल ताड़ी फसल की करेगा। आपको पता है एक ही बीज कनक का बोया जाता है और एक ही जीरी का बोया जाता है, बिना बच्चों ना देने हाँ ओना दे मुंजरानु चेक करें उधरो सिट्टे नु चेक करें, एक ही दाना नहीं होगा, किन्ने होंगे 15-15, 16-16 निकलते दाने नहीं होंगे, चोने दी एक दाख नहीं निकलती, ओचो ओचो 10-15 की निकलती है दाखा निकल ਤਾਣੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੁੰਜਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਬੀਜ ਆਪ ਜਿੰਨਾ ਬੋਗੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀਤੇ ਜਾਓ ਜੈਸੇ ਜੀਏ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬਣਨੇ ਦਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੋ ਲੈਣੇ ਦਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣੇ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। नहीं अपनाओगे ऐसे चल रहे हो चलते जाओ, फिर पास्टर से यही प्रेयर करवाओगे, आप भी 3 घंटे प्रेयर करोगे, पास्टर से भी जाके करवाओगे, हाँ सैलरी नहीं बढ़ती, पैसे से बड़ी काट देती है, जितना चिक बोगे नहीं उतना चिक बटोगे नहीं, प्रेयर भी कम नहीं है, क्योंकि जितने बोना है उतने बोना है, जितने प्रेयर ने काम करना होते प्रेयर ने ही करना है। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, बाइबल को बंद करो, उठा अपने हाथों को, उठा उठा अपने हाथों को सब जन, हालेलुया हालेलुया। सुनो, जब एक लड़की ने चर्च में बोया, उसका नाम नहीं लूं, उसने नाम लेने से मना किया, एक लड़की ने चर्च में बोया, उसकी तब 17-18 हजार रुपया तनख्वाह थी और उसने बोया बहुत बड़ा बड़ा, मैं ये नहीं बता सकता क्या बोया क्योंकि गुप्त में जो चीजें वो गुप्त में रखी जाती है, बहुत ज्यादा बोया और मालूम नतीजा क्या हुआ? 18,000 उसके बाद 30,000 उसके बाद उसने और ज्यादा बोया, अपने को हलाना दर्द हो वो बो, ये नहीं आप ऐसे दे रहे हो यार अति यही मेरे नाम दा भी ओ बो के देखो जिथे तानू की होवे दर्द हो। जब उसने दूसरी बार बोया बहुत बड़ा बड़ा बोया, नतीजा क्या हुआ? 35,000 सैलरी। उसके बाद उसने बोया, आज की डेट में 40 और 42 हजार उसकी तनख्वाह है एक महीने। कहां से चली? 18,000 से।
जिन्ने कंजूस तुसी हो उन्नी कंजूसी नाल फिर तुसी वटोगे, जिन्नी खुल दिली ताडे विचा उन्ना खुला परमेश्वर फिर तुहानू देगा। हाँ या ना? ये टेस्ट मनी है चर्च का, शायद हम डाले नेट के ऊपर आए, ग्रुप के बीच डाली जाए, फेसबुक के अकाउंट के बीच डाली जाएगी टेस्ट मनी। आमीन। और लोग बोलते हैं हाँ पैसे विच कमी आई जाती है जी, हाँ या ना? पैसे विच कमी आई जाती है, दवा करो कुटवी जी, मैनू नहीं पता केड़ी कुटवी जी प्रेर दबड़ी दबी जी दवा करो, वो मैनू आज तक समझ नहीं आई वो केड़ी दवा है। जिथे तुहानू बीज बोना पैना उथे बोना ही पैना है। आया ना? हालेलुया। इसलिए इसलिए ज्यादातर लोग इस हिस्से में कमजोर है, पैसे वाले हिस्से में क्या है कमजोर है ज्यादातर लोग। अस्सी % ऐसे लोग होंगे जो इस हिस्से में बहुत ज्यादा क्या है कमजोर है, कारण उनके बोने का मन नहीं, ड्रिंक करनी हो वो हजारों में उड़ा आते हैं। हाँ, शादी के ऊपर गए हो वो हजारों में उड़ाकर आ जाते हैं, वो नहीं दुखते। शेख वाली तली विच पाओगे जमा नहीं होंगे, वो बागदे जाएंगे। अपनी शेख वाली तली नुकी करो, चेंज करो। जो परमेश्वर विच बोओगे, जो परमेश्वर दे सुसमाचार दे बोओगे, पार्दी जाएगी पार्दी जाएगी पार्दी जाएगी, तनु कोई कटी नहीं होगी। आमीन। बाइबल कहती है तेरी लोट के मुताबिक प्रभु तुझे देगा, लोट से ज्यादा भी देगा कि तू भलाई के काम कर सके, करंथियों में लिखा गया। हालेलुया। इसी इसी हिस्से में लिखा गया, बाइबल के इसी हिस्से में लिखा गया कि तू तेरी तेरी जरूरत को पूरी करेगा, तेरी जरूरत से अधिक तुझे परमेश्वर देगा कि तू भलाई का काम कर सके, तू और भी ज्यादा काम कर सके। आमीन। लोग क्रिश्चियन आके बोल रहे हैं यार मेरे पैसे में कुछ नहीं पता हो रहा है, रोंदे या फिर आके एकदम बोगे उदा ही तुसी वड्डो वड्डो अच्छे मन दे नाल बो, अच्छे तरीके दे नाल बो, अच्छा फल होवेगा यीशु मसीह दे नाम दे विच। अपने हाथ नूं उठाओ, खड़े हो जाओ सारे। उठा उठा अपने हाथों को, हालेलुया। कोई भी वचन है वो भूलने के योग्य नहीं, उसको याद रखना पड़ता है। मैं किस हिस्से में कमजोर हूँ, मुझे किस हिस्से में काम करना पड़ेगा, उसको याद रखना पड़ता है। भूल जाओगे आप कमजोर रहोगे। हाँ जी माले ने पूछो अगर डॉले आंधी एक्सरसाइज कर रहे हो डॉले बदन टेड बार मारेगा। हाँ उन्हें हर शरीर के हिस्से को फिटनेस में रखना था, हर तरह की करेगा एक्सरसाइज करेगा। हालेलुया। आपको जिस हिस्से में कमजोरी लगती है बोना स्टार्ट कर दो, उस पे काम करना स्टार्ट कर दो, आप बलवंत होंगे, कमजोर नहीं, आपके मसल दिखने लगेंगे। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आपके मसल दिखने लगेंगे। जिस हिस्से में कमजोर हो उस हिस्से में काम स्टार्ट कर दो। अगर स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है, स्पिरिचुअल कैसे बना जाता है उस पे काम शुरू करो। अगर पैसे की कमी है तो पैसे बोने की ओर ध्यान रखो ज्यादा। अब जिस जिस हिस्से में आज लिख लो डायरी के ऊपर,
अगर घर में भी लगाना है तो लगा लो। जिस जिस हिस्से में कमजोर हो उस हिस्से में आप काम करोगे तो आप बलवंत दिखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य सामर्थ्य नाम नाम। आमीन। आज के वर्ड है आपके लिए, स्वीकार है तो आमीन ऊंचा होना चाहिए यीशु मसीह के नाम। अगर अपनी लाइफ में लेते हो तो आमीन ऊंचा होना चाहिए यीशु मसीह के सामर्थ्य सामर्थ्य नाम में। उठा अपने हाथों को, अपनी ऑफरिंग को लो साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये पैसे नु मैं तेरे सामर्थ्य हाथा में देना, ये पैसे नु मैं तेरे सामर्थ्य हाथा में देना, ये पैसा तेरे कमां दे लई खर्च होवे, तेरे शुभ समाचार दे लई लगे, पवित्र अनुग्रहकारी पिता मेरे पैसे नु छू और पवित्र कर, मैं तेरी हजूरी दे विच लेके आई हां, लेके आया हां, और दिल दी गहराई तो खुशी तो स्वीकार कर प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच मंग दे। आमीन। आप अपने पैसे को बो सकते हो, जो भी आपके घर में बॉक्स लगाए हो उसमें डाल सकते हो, अगर चर्च में बचा रहे हैं तो आप बचा सकते हो ऑफरिंग को। अपने हाथों को उठाओ सज्जन, हिलाओ अपने हाथों को, हिलाओ हिलाओ अपने हाथों को, अपने हाथों को उठाओ सज्जन, हिलाओ हिलाओ हिलाओ। थैंक यू जीसस बोलो, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस। बच्चों के लिए, आपके परिवारों के लिए, शायद आज वो पोस्टर पोस्ट हो जाए। 5 बजे के करीब कितने फास्टिंग हमने करने हैं, किस टाइम करने हैं, उन फास्टिंगों में कुछ हम प्रेयर्स करेंगे आपके बच्चों के लिए, प्रार्थनाएं करेंगे आपकी फैमिली के लिए, वो स्पेशल फास्टिंग होगी, स्पेशल प्रेयर आपके परिवारों के लिए, आपकी तरक्की के लिए की जाएगी। ये अलाउमेंट मैं खुद क्यों कर रहा हूं,
कि आप ध्यान से समझ सको इस बात को। आमीन, हालेलुया। फास्टिंग आ रही है, आपको पहले अलॉटमेंट कर दी गई है, आज शाम तक वो पोस्टर आ जाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। हालेलुया। और उस फास्टिंग में हीलिंग प्रेयर स्पेशल होगी, हर विषय को स्पेशली प्रेयर में रखा जाएगा। तैयार हो अपने हाथों को उठाते हुए, मिलेंगे बहुत जल्द परमेश्वर की हजूरी में। जय मसीह की सबको, जय मसीह की सबको। अपने हाथों को उठाओ सब जन।
अम्मा।